25 मार्च दो हजार बाविस को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ट्रिपल आर फिल्म जिस फिल्म को रिलीज हुए अब दो महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है और यह फिल्म लगभग सभी सिनेमा घरों से उतर चुकी है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिपल आर फिल्म के पांचों भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि फिल्म ने दुनिया भर से फाइनल कलेक्शन कितने करोड़ का किया तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो ट्रिपल आर जो की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था लेजेंडरी डायरेक्टर एस एस राजामौली सर ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे तेलुगु सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार मेगा पावर स्टार रामचरण यंग टाइगर जूनियर एन साथ ही साथ इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सुपर अजय देवगन और आलिया भट्ट भी नजर आए थे बता दें दोस्तों फिल्म का बजट साढ़े करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा पांच भाषाओं में दुनिया भर के अंदर लगभग बारह हजार स्क्रीन पर रिलीज किया था अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के पांचों भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कलेक्शन की तो दोस्तों यहां पर ट्रिपल आर फिल्म ने सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट से टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है चार करोड़ का वही दोस्तों इस फिल्म ने तमिलनाडु जहां पर तमिल भाषा बोली जाती है वहां से सतोत्तर करोड़ पच्चीस लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया साथ ही साथ दोस्तों फिल्म ने केरला यानी कि जहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है वहां से ग्रोस कलेक्शन किया 24 करोड़ 25 लाख रुपए का इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी वर्जन से ही 326 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तो यहाँ पर ट्रिपल आर फिल्म ने अपनी पांचों भाषाओं से हिंदुस्तान में टोटल ग्रोस कलेक्शन किया नौ करोड़ 10 लाख रुपए का बात करें और से कलेक्शन की तो दोस्तों ट्रिपल आर फिल्म ने ओवरसेस मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्शन किया 206 करोड़ रुपए इसी के साथ दोस्तों ट्रिपल आर फिल्म का लाइफ टाइम टोटल कलेक्शन हो जाता है 1150 करोड़ और 10 लाख रुपए के बजट में बनी फिल्म ट्रिपल आर ने दुनिया भर से ग्रोस कलेक्शन ग्यारह करोड़ दस लाख रुपए का किया हालांकि दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दू कि ट्रिपल आर भले ही साढ़े करोड़ के बजट में बनी थी लेकिन फिल्म की कमाई सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं थी फिल्म के सैटेलाइट राइट डिजिटल राइट और म्यूजिक राइट्स भी साढ़े तीन सौ करोड़ में पहले ही बिक चुके थे तो यहां पर ट्रिपल आर फिल्म फिल्म के जो थे वो इस फिल्म को बनाने के बाद कम से कम साढ़े पांच सौ करोड़ के फायदे में रहे हैं बाकी दोस्तों इस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी एक तो ट्रिपल आर और दूसरी केजीएफ चैप्टर टू तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताए और डेली बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें